उसने ये ऐलान भेजा कि ऐ खुदा देख, जिसे तू प्यार करता है वो बीमार है। यीशु ने सुनकर कहा कि ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जवान के लिए है, ताकि उसके सबब से खुदा के बेटे का जलाल साबित हो। और यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर को प्यार करता था। बस जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस जगह था वहीं बहुत दिन और रहा। इसके बाद शागिर्दों से कहा, आओ हम भी यहूदिया चले। बस यीशु बैतनिय्या में आया और लाजर को 4 दिन का कब्र में रखा हुआ है। मार्था ने जो भी सुना कि यीशु आ रहा है तो उससे मिलने गई, मगर मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, ऐ खुदावन्द, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। और मैं जानती हूं कि अब भी तू खुदा से जो कुछ मांगेगा खुदा तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि वो यौमे आखिर को कयामत में जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, कयामत और जिंदगी मैं हूं। जो मुझ पर ईमान लाता है अगर ये वो मर गया हो तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तुम इस पर ईमान लाती है? उसने कहा, हाँ ऐ खुदावन्द, मैं ईमान लाती हूँ कि तू और मसीह बने खुदा है जो दुनिया में आने वाला था। बस जब यीशु ने उसे देखा कि रोती है और यहूदियों को भी जो उसके साथ आए थे कि रोते हैं, तो रूह में आग फैंची और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, ऐ खुदावन्द, चल और देख। और यीशु के आंसू निकल आए। तब यहूदियों ने कहा, देखो उसे कितना प्यार करता है। लेकिन उनमें से बास ने कहा, क्या ये जिसने अंधे की आंखें खोली इतना ना कर सका कि ये भी ना मरता? यीशु ने तब अपने में फिर आंख खींच कर कब्र पर आया। वो एक गार था और उस पर पत्थर धरा था। यीशु ने कहा कि पत्थर हटा। मरहूम की बहन मार्था ने उससे कहा, ऐ खुदावन्द, उससे तो अब बदबू आती है क्योंकि उसे 4 दिन हो गए। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने उससे नहीं कहा था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी? बस उन्होंने पत्थर को हटा दिया। और यीशु ने अपनी आंखें उठा कर कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है, और मुझे तो मालूम है तो हमेशा नहीं सुनता, मगर इन लोगों के सबब से जो आस पास खड़े हैं मैंने ये कहा ताकि वो ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा है। पर ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा कि ऐ लाजर, निकल आ। जो मर गया था वो कब्र से हाथ और पांव बंधे हुए निकल आया और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने। तब यहूदियों में से बहुतेरे जो मरियम के पास आए थे और जिन्होंने यीशु का ये काम देखा उस पर ईमान लाए। जीवन प्रकाश के उसी से हम सबकी कृपा माफ की जाए। ऐ मसीह के इंसान।